खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। कानपुर में 17 अक्टूबर शाम 5 बजे से सजने वाला है द ललन टॉप अड्डा का मंच, हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी के साथ, जहां होंगे नगर के नामचीन, सिटी के एक्सपर्ट और शहर के कला और समाज के मर्मज्ञ। देश दुनिया, धंधे पानी, राजनीतिक बातों से लेकर चुनावी चकल्लस, सब कुछ होगा यहाँ। तो 17 अक्टूबर को डायरेक्ट पहुंचे मोती झील वाला पार्क एंड थैंक अस लेटर। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। बांग्लादेश का कुमिल्ला जिला बुधवार यानी कि 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा समारोह के दौरान यहां पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर आई। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसकी कड़ी निंदा की है, चेतावनी दी है, कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार शेख हसीना ने कहा है कि कोई मायने नहीं रखता है कि दोषी किस मजहब का है, दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। इन हमलों में बांग्लादेश के चांदपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी बंगाल के अनुसार शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा है कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त रहना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो, हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम भी प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना है बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी रहना है। शेख हसीना ने कहा है कि कोमिल्ला के मंदिर में तोड़फोड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शेख हसीना ने कहा कि जो लोगों का विश्वास जीतने में असमर्थ हैं और जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, वे लोग ही इस तरह के हमले कर सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा, धर्म व्यक्तिगत होता है जबकि त्यौहार सबके लिए होता है। हम सभी उत्सव साथ मिलकर मनाते हैं लेकिन कुछ लोग धर्मांध होते हैं और ऐसे लोग हमेशा सांप्रदायिक टकराव पैदा करते हैं। ऐसे लोग केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं है बल्कि दूसरे धर्मों में भी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को हुई साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की कार्रवाई को संतोषजनक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बांग्लादेश में धार्मिक समारोह के दौरान हिंसा की खबरें हमने देखी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और हालात पर काबू करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की। बांग्लादेश की सरकार और वहां की जनता के सहयोग से ही दुर्गा पूजा समारोह हो पाया। बांग्लादेश में नवरात्रि के लिए लगाए गए पंडाल को कट्टरपंथियों ने तहस नहस कर दिया था। घटना ढाका से 100 किलोमीटर दूर चांदपुर जिले में बुधवार यानी कि 13 अक्टूबर को हुई। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला कर दिया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक जिले के कोमिला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि यहां लगाए गए एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किया गया है। दावा किया गया कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर हिंदू भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। बांग्लादेशी अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक चांदपुर के हाजीगंज उप जिला पुलिस थाने के उप निरीक्षक नजीमुद्दीन ने इस घटना में हुई मौतों की सूचना दी है। नजीमुद्दीन ने बताया कि मृतकों के शरीर पर चोट के निशान थे लेकिन अब तक इन लोगों की मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने, शुक्रिया।